हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है व्हाट इज चेक। चेक क्या होता है? हमने लास्ट वीडियो में समझा था प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, उसके बाद वाले वीडियो में समझा हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं चेक क्या होता है, जिसके ऊपर सेक्शन लगता है 6। एक बार फटाफट रिमाइंड करा दूँ, सेक्शन 4 लगता है प्रॉमिसरी नोट के ऊपर, सेक्शन 5 लगता है बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, और सेक्शन 6 लगता है चेक के ऊपर। तो लाइन में ही है सेक्शन 4, 5 एंड 6। अब चेक जो होता है वो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही होता है। मतलब अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बस फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज किसी के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन चेक जो है वो हमेशा ड्रॉ होता है बैंकर के ऊपर, कि बैंक हमेशा भी हमारे बिहाफ पे पेमेंट करता है। हमारे पास हमारा ही पेमेंट होता है जो बैंक अकाउंट में होता है, लेकिन पेमेंट कौन करेगा? बैंक के थ्रू होगा। तो चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज है, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, जो हमेशा बैंकर के ऊपर ही ड्रॉ होता है। कहने का मतलब यहाँ पे ड्रॉई हमेशा स्पेसिफाइड बैंकर ही होगा। ड्रॉई मतलब जिसके ऊपर हम लोग बिल ड्रॉ कर रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज अ स्पेसिफाइड बैंकर। बाकी और भी बहुत सारे डिफरेंस है चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बीच में। जैसे हर एक चेक तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, लेकिन हर एक बिल ऑफ एक्सचेंज चेक नहीं होता। ऐसे बहुत सारे डिफरेंस है जो हम लोग एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच में डिफरेंस क्या है, और बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी होती है। तो अभी ये तो मालूम पड़ गया कि चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती है, वैसे चेक में भी 3 पार्टीज होती है, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। वैसे कुछ सिमिलरिटीज हैं, लेकिन काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी हैं। तो हम लोग ऑफकोर्स एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे जिसमें डिफरेंस समझेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के बीच में। अभी फिलहाल बात करते हैं चेक की डेफिनेशन से। तो चेक क्या होता है? अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, नॉट पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। कहने का मतलब जब तक डिमांड ना की जाए तब तक पेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरे को चेक दिया, चेक का अमाउंट, खाली एग्जाम्पल समझने के लिए, 1 करोड़ रुपए का चेक था। आपने मेरे को चेक दिया और मैं देख रहा हूँ, वाह 1 करोड़ रुपए का चेक है, 1 करोड़ रुपए का चेक है, मैं देख के खुश होता हूँ। तो क्या अपने आप मेरे अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा? नहीं आएगा। जब तक मैं बैंक में अपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करूँगा, बैंक को डिमांड नहीं करूँगा, तब तक पैसा नहीं आएगा। तो इसका मतलब सिर्फ देखने से चेक नहीं आ जाता या पास नहीं हो जाता, इट हैज़ टू बी डिपॉजिटेड इन बैंक, और डिमांड करना पड़ता है कि हाँ भाई मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, मुझे पैसे दीजिए, तो बैंक क्लियरिंग आपका बैंक अकाउंट मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करेगा। तो चेक हमेशा डिमांड किया जाता है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन और भी आगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे। तो डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज है, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, हमेशा स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ड्रॉ किया जाता है, नॉट पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। एक्सप्रेसली तभी पेएबल होगा जब डिमांड करेंगे, तब तक पेएबल नहीं है। इसलिए डेफिनेशन क्या है? नॉट एक्सप्रेसली पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, जब तक डिमांड ना किया तब तक पेएबल नहीं है। सेक्शन लगता है 6। सेक्शन 4 इज फॉर प्रॉमिसरी नोट, 5 इज फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एंड सेक्शन 6 इज फॉर चेक। सिंपल। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं। सबसे पहले, इट मस्ट फुलफिल ऑल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मैंने अभी आपको समझाया कि चेक के डेफिनेशन में आता है चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो चेक सारी की सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल करेगा जो बिल ऑफ एक्सचेंज के होते हैं। तो इट मस्ट फुलफिल ऑल द एसेंशियल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। दूसरा, इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, डेफिनेशन के अंदर ही आ गया था कि चेक हमेशा डिमांड करना पड़ता है, अदरवाइज चेक पास नहीं होगा, इट इज ऑलवेज डिमांडेड। तीसरा, इट्स ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, हमेशा बैंक किसके ऊपर ड्रॉ ही कौन होता है, हमेशा स्पेसिफाइड बैंकर होता है, इट्स ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। चौथा देखेंगे तो 3 पार्टीज आती है, मैंने आपको बताया था बिल ऑफ एक्सचेंज में भी 3 पार्टीज आती है, चेक में भी 3 पार्टीज आती है, एक आता है ड्रॉअर, एक ड्रॉई और एक पे। ड्रॉअर मतलब जिस पर्सन जो साइन करता है चेक के ऊपर, जो चेक लिखता है वो क्या होता है? ड्रॉअर। बैंक हमेशा होता है ड्रॉई, तो वो लिखा द बैंक ऑन विच इट इज ड्रॉन इज ड्रॉई, और जिस पर्सन को एक्चुअली पेमेंट मिलता है उसको बोलते हैं पे, तो वो लिखा है द बेनिफिशियरी, दैट इज द अमाउंट टू होम इट इज पेड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पे। आगे राइटिंग, मैंने आपको बताया था जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में कंपलसरी होना चाहिए, वैसे चेक भी हमेशा रिटन फॉर्म में ही होता है। आज की डेट में तो प्रिंटेड फॉर्म में होता है, क्योंकि रिटन पहले क्या होता था, चेक का कोई फॉर्मेट नहीं था, आज की डेट में स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में लिखा जाता है और प्रिंटेड होता है, बैंक इशू करती है, मैग्नेटिक इंक से लिखी जाती है ताकि ईजिली रीडेबल फॉर्मेट में हो जाए। छठा, साइन बाय द ड्रॉअर, इट इज ऑलवेज साइन बाय द ड्रॉअर, जो पर्सन चेक लिखता है उसका साइन होना जरूरी है, और उसका साइन मैच भी करना चाहिए किसके साथ? जो बैंक के पास स्पेसिमेन सिग्नेचर होती है उसके पास। मतलब जो चेक के ऊपर सिग्नेचर होता है, बैंक के पास जो सिग्नेचर होती है सेम होनी चाहिए, अदरवाइज चेक पास होता नहीं है। अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं डाल सकता कि हाँ भाई सन यहाँ से निकलेगा तब मैं पास करूँगा, ऐसा नहीं होता, इट मस्ट बी अनकंडीशनल ऑफकोर्स।
आगे सर्टन अमाउंट ऑफ मनी ओनली ऑफिस से मनी लिखा होना चाहिए, वर्ड्स में भी और फिगर्स में भी सेम लिखा होना चाहिए सम ऑफ मनी। डेट लिखनी जरूरी है क्योंकि एक चेक की वैलिडिटी कितने महीने की होती है, 3 महीने की, पहले 6 महीने की हुआ करती थी, अब कितने महीने की होती है, 3 महीने की। कहने का मतलब जो डेट लिखी हुई है चेक पे उस डेट से 3 महीने के अंदर हम लोग चेक डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में, उसके बाद करेंगे तो चेक बाउंस हो जाएगा या चेक पास नहीं होगा, वो बैंक की मर्जी होती है। फिर नॉट रिक्वायर्ड स्टैंपिंग, ये खास फर्क है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट को स्टैम्प की जरूरत होती है, बिना स्टैंपिंग की उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन चेक को कोई स्टैंपिंग की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। नॉट रिक्वायर टू बी नोटेड प्रोटेस्टिंग, नोटिंग प्रोटेस्टिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती है, दैट इज नोटरी कराने की जरूरत नहीं पड़ती उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनाने के लिए, चेक खुद ही एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। तो अगर समझ लो कि चेक पास नहीं होता है तो पासबुक में या फिर स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट में आई जाता है रीजन के साथ कि क्यों पास नहीं हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन जाता है, तो उसको अलग से नोटिंग प्रोटेस्टिंग कराने की जरूरत पड़ती नहीं है। क्रॉसिंग चेक दो टाइप के होते हैं, क्रॉस चेक एक अनक्रॉस चेक। क्रॉसिंग मतलब दो पैरेलल लाइन खींचते हैं, आपको पता है अकाउंट पे ही करने के लिए, ये उसको बोलते हैं क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग करने से क्या होता है, चेक ज़्यादा सिक्योर्ड हो जाता है। और लास्ट में वैलिडिटी, मैंने आपको बता ही दिया, आरबीआई ने बोला कि 3 महीने की वैलिडिटी होती है, 3 महीने के बाद अगर चेक डिपॉजिट रहा है तो वो स्टेल चेक बासी चेक हो जाता है और बैंक चाहे तो उसको क्या कर सकती है, डिसऑनर कर सकती है। बहुत ही सिंपल और एकदम एजुकेशनल वीडियो था ये, और छोटा सा वीडियो था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरा वीडियो आपके काम आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।